आई होप कि मेरे कैमरे को कुछ ना हो, लेकिन शॉट लेने का ट्राई करते जरा। मेरे पीछे देख ही सकते हो, प्रॉपर गांव का सीन है। तो ये लोकेशन किधर है ये जानने के लिए वीडियो पूरा देखो। तो ठीक है, वॉच टावर का व्यू का मज़ा तो ले लिया, ऊपर जाना है तो वॉच टावर का एक 360 व्यू देता हूँ। काफ़ी अच्छा व्यू है, देखो ज़रा। जंगल में ट्रैवल करने का ये फ़ायदा होता है, एक पत्थर हमारा 5-5 बोर मिल गए। तो कैमरा का सेटअप हो गया है, तो अभी मैं किधर हूँ थोड़ा ऊपर जाके बताता हूँ। तो जर्नी बहुत बड़ी है, स्टार्ट भी नहीं किया है और मुंबई में गर्मी चालू हो गई है, मीन्स 2-3 दिन से हीट हो रहा है, प्रॉपर हीट हो रहा है। तो इसलिए अभी ट्रेकिंग करना है, लेकिन गर्मी में ट्रेकिंग ज़्यादा ये हो जाता है। ऊपर जाके मिलते हैं। तो अभी 2 मिनट मीन्स अभी 2 मिनट हुआ ट्रैक स्टार्ट करके, लेकिन इधर एक मस्त ब्यूटीफुल पॉन्ड दिखा है। तो मीन्स छोटा सा लेक टाइप है, पॉन्ड टाइप है, लेकिन इसमें फ़िश काफ़ी बड़े बड़े हैं। मीन्स इधर ऊपर से दिख रहे हैं फ़िश बड़े, लेकिन फ़िशिंग करना अलाउड नहीं है क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तो फॉरेस्ट की चीज़ हम कुछ फॉरेस्ट में फ़िशिंग कर नहीं सकते। ओके, तो अभी बात कर लेते हैं अभी मैं फ़िलहाल किधर हूँ। तो अभी मैं हूँ संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क, जैसे कि मैं लास्ट के 2-3 वीडियो में बोला है, मावा भांजा संजय गांधी का पार्ट है, ये रील संजय गांधी का पार्ट है, संजय गांधी नेशनल पार्क वो भी संजय गांधी पार्क है। और अभी मैं हूँ निसर्ग परिचय केंद्र में, तो ये भी संजय गांधी नेशनल पार्क का ही एक पार्ट है। तो निसर्ग परिचय केंद्र एक बर्ड एरिया में, इधर बर्ड्स ज़्यादा देखे जाते हैं, इसलिए इधर बर्ड फोटोग्राफी फेमस है। यह प्रोसेस टिकुजी निवाड़ी बोलना है, टिकुजी निवाड़ी के जस्ट सामने ही है निसर्ग परिचय केंद्र, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये इसका बोर्ड नेम है, निसर्ग परिचय केंद्र भी उधर लिखा हुआ होगा। तो मीन जो एज 12 तक है उनके लिए टिकट 35 है, जो 12 अबाव है 60 तक उनके लिए 37 है, और जो ओल्ड पीपल है उनके लिए 35 है। तो इधर आने के लिए चार्जेस है, और अगर मंथली पास निकालना हो तो मंथली पास भी निकाल सकते हैं मॉर्निंग वॉक, लेकिन पास सिर्फ मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हैं 7:30 बजे तक सुबह से। तो पास निकालने का ज़्यादा फ़ायदा है, मीन्स आजू बाजू में जो रहते हैं लोकल एरिया, उन लोकल्स के लिए अच्छा है, लेकिन अपने लिए अच्छा नहीं। जो फुल डे के लिए आना है तो फुल डे के लिए 70 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, और फोटोग्राफी करना है तो फोटोग्राफी का 200 पे करना पड़ेगा। तो मैंने अभी टोटल 210 पे किया है। 210 पे इसलिए किया है क्योंकि उनका जो PC था, नेट सर्वर प्रॉब्लम था, इसलिए मुझे पेपर टिकट्स दिए। तो पेपर टिकट्स एक टिकट 70 रुपीज़ का है, तो मुझे 3 टिकट दिए टोटल 210 रुपये का। तो उसमें मेरा कैमरे का भी हो गया है, और बाकी मेरा जो ऊपर आने का है तो वो भी हो गया है। तो मीन्स मेरा 60 रुपीज़ सेव हो गया।
टोटल ट्रैक करने के लिए मुझे 1.5 से 2 घंटा लगेगा शायद। मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, इतना मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन वीडियोज़ देखा है तो वीडियोज़ में काफ़ी अच्छा लोकेशन अच्छा लगा इसलिए आ गया हूँ। सोलो ट्रैकिंग भी आया हूँ, मीन सोलो ट्रैकिंग आना इधर सेफ है, ज़्यादा कुछ मीन्स पब्लिक नहीं है क्योंकि पेड है इसलिए ज़्यादा पब्लिक नहीं है, वो सेफ भी है इसलिए। बाकी फुल वीडियो देखो, डिटेल वीडियो ऊपर तक मिलेगा, लोकेशन बेस्ट है। और ऊपर एक वॉच टावर भी है, मैं लास्ट जिसका वीडियो देखा उसमें एक वॉच टावर था, वॉच टावर से व्यू उसका भी अच्छा है, वॉच टावर से फोटोग्राफी करने के लिए भी अच्छा व्यू। तो ऊपर जाते हैं, बाकी सब बातें ऊपर जाके करते हैं। तो जो मैं अभी नीचे से बोल रहा था, ऊपर एक वॉच टावर है, तो वॉच टावर जस्ट मेरे सामने है। तो उधर जाने का रास्ता किधर से मुझे पता नहीं, इसलिए शॉर्टकट रास्ता ले रहा हूँ। मीन्स ऊपर से रास्ता होगा बाजू से, लेकिन जब शॉर्टकट रास्ता भी ईजी है तो ईजी रास्ता प्रेफर करना अच्छा है। मीन्स लाइफ में कभी कभी ईजी रास्ता ही प्रेफर करना चाहिए। तो ये वॉच टावर है, वॉच टावर इसका ही बात कर रहा था नीचे से। वॉच टावर मैं इधर से मॉर्निंग में व्यू काफ़ी अच्छा मिलेगा, सनराइज़ अच्छा दिखेगा इधर से, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा मीन्स हाफ ठाने दिख ही रहा है। मीन्स मेरे सामने जो व्यू है काफ़ी अच्छा है, देख लो एक बार। ओके, तो वॉच टावर पे व्यू काफ़ी अच्छा मिल रहा है वॉच टावर से, लेकिन सबसे पहले नीचे मेरा DSLR रखा है, तो नीचे DSLR लेके आता हूँ, क्योंकि जो स्टार्टिंग में देखा नीचे स्टेप बाय स्टेप आ रहा था ऊपर, तो नीचे DSLR रखा था। ऊपर आ गया हो तो DSLR चलाना पड़ेगा, अगर नीचे कोई आ गया तो मीन्स कोई लेके तो नहीं जाएगा, लेकिन बंदर का भरोसा नहीं है, मीन्स मंकीज आ गए तो उन लोग तो लेके जा सकते हैं, इसलिए पहले कैमरा लेके आ जाता हूँ। मीन्स वॉच टावर पे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, मीन्स मुंबई की गर्मी कैसी बढ़ गई, अगर धूप में आएंगे तो काफ़ी हीट हो रहा है, मीन्स बॉडी पे चटका जैसे बैठ रहा है, और अगर शेडो में आके रुकेंगे तो शेडो में इतना गर्मी नहीं हो रहा है। तो वॉच टावर पे थोड़ा शेडो है, तो शेडो में थोड़ा रेस्ट करेंगे, व्यू का मज़ा लेंगे, थोड़ा सिनेमैटिक भी बताएंगे। नीचे जाके पहले कैमरा लेके आते, मैं कैमरा उधर रखा है, पहले कैमरा लेके आता हूँ। कैमरा नीचे रखा था, नीचे जाते जाते वाट लग गई, मुंबई में गर्मी बढ़ गई है, और अकेले आने का एक ड्रॉबैक क्या रहता है, मीन्स अकेले हम बिहाइंड द सीन, मीन्स अगर आगे मूवमेंट का शॉट लेना है तो कैमरा को पीछे रखना पड़ता है, तो उसे वापस पिक करने जाना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए अकेले आने का एक फ़ायदा ये है कि अकेले आएंगे तो अपने ट्रैवलिंग थोड़े कम बचते, मीन्स कम बजट में हो जाता है, और अगर साथ में कोई नहीं हुआ तो थोड़ा टाइम वेस्ट भी होता है कैमरा को ऊपर नीचे अप डाउन करने में। तो ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद शायद ट्रैकिंग कर रहा हूँ, और शायद 1 महीना हो गया है, तो ट्रैकिंग करके अच्छा लग रहा है, लेकिन हमेशा जैसे वही कंप्लेंट मुंबई की गर्मी, तो मुंबई की गर्मी की वजह से ट्रैकिंग करने में इतना मन उतर जाता है, इसलिए वो ठीक है। ट्रैकिंग करने में मज़ा, ट्रैकिंग करने का एक अलग ही सुकून है, क्योंकि काफ़ी फ्रेश एयर, मुंबई की गर्मी स्टार्ट हो गई लेकिन इधर शेडो में तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो आज सोलो ट्रैकिंग पे आए हो तो मेरे मूवमेंट्स कैप्चर करने के लिए मैं ट्राइपॉड हेल्प कर रहा है, सिंपेक्स ट्राइपॉड, इस पर अपना कैनन 700D लगा है ट्राइपॉड। मेरे ट्राइपॉड काफ़ी स्टेबल है, ऊपर जाके इसका थोड़ा डिटेल देता हूँ ट्राइपॉड का। मीन्स ऑलमोस्ट मैं इसको 3-4 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, वेट ट्राइपॉड का वेट भी थोड़ा नॉर्मली है लेकिन अच्छा स्टेबल है, विंड में इतना समझो क्या बोल रहा हूँ। तो वॉच टावर का एक 360 व्यू देता हूँ, काफ़ी अच्छा व्यू है, देखो ज़रा।
तो यही है वॉच टावर का 360 व्यू। वॉच टावर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम किसी वॉच टावर के ऊपर आया हो तो व्यू काफ़ी अच्छा मिल रहा है, मीन्स ऑलमोस्ट पूरे ठाणे का व्यू मिल रहा है। तो ठीक है, वॉच टावर का व्यू का मज़ा तो ले लिया है, ऊपर जाना है। ऊपर मीन्स मामा वन जी इतना ही हाइट लग रहा है, तो इधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा ऊपर जाता हूँ, क्योंकि गर्मी है तो धीरे धीरे ऊपर जाना पड़ेगा। और पानी का बॉटल भी एक ही लाया हूँ, 750 ml, तो उतना पानी मुझे कब तक पूरेगा देखता हूँ, शायद ऊपर पानी मिल जाए मुझे। तो ठीक है, डायरेक्ट ऊपर मिलते हैं। ऊपर नहीं, मैं इधर एक शॉट लेने का ट्राई कर रहा हूँ, मीन्स ड्रोन तो है नहीं, तो एक शॉट लेने का ट्राई कर रहा हूँ, देखता है कैसे आता है शॉट। मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर पॉसिबल हो तो ले लेता हूँ। तो वॉच टावर के ऊपर से एक ये शॉट लेने का ट्राई कर रहा हूँ, आई होप कि मेरे कैमरे को कुछ ना हो, लेकिन शॉट लेने का ट्राई करते ज़रा।